आपका स्वागत है स्वप्नास कुकिंग शो में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बारिश के समय में आप गोभी पकोड़े, आलू पकोड़े बहुत बार बनाते होंगे, पर कांदा भजी की बात तो कुछ और ही है। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं और इनको चाय के साथ खाने में बड़ा ही मज़ा। आज हम महाराष्ट्रियन स्टाइल कांदा भजी बनाने वाले हैं और इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेते हैं। आपको प्याज फाइनली चॉप नहीं करना है और एकदम मोटा मोटा भी नहीं काटना है। आप देख सकते हो आपको इस साइज के प्याज काटना है। साथ ही हमने हरी मिर्च और कोरिएंडर भी कट कर ली है। एक बर्तन में चॉप किए हुए प्याज ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमक हम अभी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमें प्याज को अपने हाथ से अच्छे से क्रश कर लेना है ताकि हमारे प्याज के जो लच्छे हैं वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। प्याज का पानी निकले इतना प्रेशर देके आपको क्रश कर लेना है, तभी हमारी कांदा भजी क्रिस्पी बन पाएगी। अभी डालते हैं थोड़ा जीरा, हल्दी, चॉप हरी मिर्च, कोरिएंडर, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी रेड चिली, ठीक है। और हम यहाँ थोड़ा राइस फ्लोर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे भजी में क्रंच आए। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। सारे मसाले तो डल चुके हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए हमको कांदा भजी में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जो हमने पहले नमक डाला था उसकी वजह से प्याज पानी छोड़ देगा, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। गरम तेल में इस बैटर को रैंडमली छोड़ दें। इसको गोले बना के मत छोड़िएगा, नहीं तो भजी क्रिस्पी नहीं होगी। आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। बीच बीच में आप इसको पलटाते रहिए। भजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बस इसे निकाल लेना है। देखिए है ना एकदम करारे कांदा भजी। इसी तरह से बनाओगे तो 100% आपकी भी कांदा भजी क्रिस्पी बनेगी। तो ऐसे ही रेसिपी के लिए देखते रहिए स्वप्नास कुकिंग शो। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें।